बहुत ही गरीब आदमी साहब, हम लोग मेरा बड़ा लड़का वही था साहब, काम आपके साथ ही करता है, हम साथ में रखते साहब, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे साहब, चार पांच बच्चे हो रहे सर अपने पास छोटे छोटे, बल्कि खेतों के बीच में खड़े थे, सॉरी जी वहां पूछे मगन कब बता दो भाई, परिवार वालों को तो बता दो यार, तुम तो जान लिया, घर वालों को तो पता लग जाएगा, घर को तो कंफर्म कर देंगे, भाजी मारता दगा ना लिया, बल्कि मान लग रहे हो नहीं, सुपरी का तो कौन है, बता दो कुंज पर गए रहे, कंफर्म दो कुंज पर गई है, पहले क्या बताया था उसने किसका बच्चा है, पहले तो यही बताया था जी कि मुसलमानों का लड़का है मोहित है, फिर हम वहाँ पे आ गए उस टाइम 112 का आ गई जहाँ पे दीक्षा की थी, तो फिर दोबारा से गए हम ढूंढने की वो बच्चा वहाँ पे मिल जाए हमको, तो फिर उनमें से एक लड़का मिला मैंने, तो वो इनके घर पे लेके गया हमको कि तो कोई आपके परिवार का कोई बच्चा तो लापता नहीं है ऐसा कुछ, तो आपको जानकारी मिली थी वैसे, तब जानकारी मिली वहाँ से, सूबरी का बच्चा गया, सूबरी का बच्चा डूब गया, कोई स्कूल की वर्दी पैसा, स्कूल की वर्दी है, हम तो इसलिए आए जी, हम तो अपने घर बैठे थे आराम से, मन्नत कोई वन थी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कलवेड़ी के पास जो नहर पड़ती है, वहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों ने देखा कि एक लड़का जो है नहर में कूद जाता है, एक लड़का नहर में कूद जाता है, उसको रस्सी डालकर बचाने के भी काफी कोशिश की, लेकिन वह तब तक जो है डूब चुका था। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और गोताखोर पगड़ सिंह को भी जो है जानकारी दे दी गई है, कुछ ही देर में जो गोताखोर पगड़ सिंह की टीम है वो भी मौके पर पहुंचने वाली है, हालांकि पता नहीं चल पाया कि वो लड़का कहां का था, लेकिन एक व्यक्ति भी यहां पर पहुंचे हैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उनका बेटा भी घर नहीं पहुंचा था, और जिस तरह का हुलिया जो लोग बता रहे हैं वो मैच भी हो रहा है कि क्योंकि कम बारीक बाल थे, छोटे छोटे बाल थे उसके, और उसके हिसाब से मैच भी हो रहा है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये लड़का इन्हीं का है या कोई और लड़का है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के कलवेड़ी गांव से आगे जो नहर पड़ती है वहां से इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं करनाल के कलवेड़ी गांव के आसपास की देख रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ पता चला, आप यहां से निकल रहे थे, क्या पता करा? अभी यहां से गुजर रहा था थोड़ी देर पहले, ये जब उस टाइम ये बच्चा यहां पे था उसका थोड़ा हाथ दिखा था जी, तो ये जो रोड पे निशान लगा रहे हैं बच्चे बंदे, इन्होंने एक लड़का डाला हुआ था पहले रस्सी बांध के उसको कि भाई देखो किधर गया लड़का, तब मैंने देखा यहां पे इसको थोड़ा सा दिख रहा था जी, तो उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ही गायब हो गया, फिर 112 को डायल कॉल किया जी, 112 यहाँ पे आए, फिर उसके बच्चे के घर वालों को पता किया, अभी वो डैडी आए उनके, अभी कंफर्म नहीं हुआ पूरा कि वही है नहीं कहीं आया या अभी कोई और लड़का, साथ कोई और बच्चे भी थे बता? हाँ सात बच्चे थे, सरकार स्कूल के बच्चे थे, वो तो भाग गए यहाँ से, उन्हीं से एक लड़का पकड़ के इनके घर पे गए थे, उन्होंने बताया कि ये है उनका लड़का घर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लोगों से अपील जरूर करता है कि नहर में अपने बच्चों को नहाने के लिए ना भेजें, और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक नौजवान युवक जो है बताया जा रहा है कि वो नहर में डूब जाता है, क्या वो नहाने आए थे या कोई और हादसा उसके साथ हुआ, ये तो बहरहाल अब जांच का विषय जरूर है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही आसपास के जो लोग हैं और एक व्यक्ति भी यहां पर पहुंचा है, क्योंकि जिस आधार पर पता चला है तो उसका बेटा हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका बेटा भी घर नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसके साथ के जो लड़के थे उन्होंने बताया कि उस परिवार का वह बच्चा है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं उनके पिता भी यहां पर मौके पर पहुंचे जरूर हुए हैं, रोते भी लगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पाई है कि क्या इन्हीं का बच्चा था, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे आपके बच्चे का क्या नाम था, क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा बच्चे आदित्य नाम है सर। आदित्य कहाँ काम करता है वो? हम जी अपने साथ में रखते हैं, उसको दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपने साथ में रखते हैं जी हम उसको। तो आज पहुंचा नहीं आपके साथ? आज हम काम पे नहीं गए जी, आज हम आराम कर रहे थे घर में, जो घर में रह जाते जी। तो ये किसने बताया कि वो नहर में कूद गया? पता नहीं, हमारे पास तो ये गए जी बाबूजी जी, अभी इन्होंने बोला कि ऐसे, हम लोग सोचे क्योंकि झगड़ा उगड़ा होगा जी, अब मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे बात हुई जी बाबू। आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद हादसा है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि इन्हीं का बेटा था या कोई और था, लेकिन जिस तरह से कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उसके बाल बहुत कम थे, और इन्होंने भी बताया कि इनके बच्चे के जो बाल हैं बहुत कम हैं, और हो सकता है कि इन्हीं के परिवार का वह बच्चा हो, इन्हीं का बेटा हो, बहुत ही दुखद हादसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पिता रोते हुए नजर आ रहे हैं, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद हादसा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है करनाल के कलवेड़ी गांव के पास जो नहर पड़ती है, हालांकि पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हादसा हुआ है और अब गोताखोरों को बुलाया गया है ताकि गोताखोरों की जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। बहुत ही गरीब आदमी साहब, हम लोग मेरा बड़ा लड़का वही था साहब, काम आपके साथ ही करते हैं, हम साथ में रखते साहब, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे साहब, चार पांच बच्चे हो रहे सर अपने पास छोटे छोटे,
बहुत ही दुखद है, आप देख सकते हैं। हालांकि गोताखोर प्रगट सिंह को मौके पर बुलाया गया है, कुछ ही देर में वो भी मौके पर पहुंचेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो पिता है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एक पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा। इस समय सुंदर सिंह जो जाँच कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन सी ये नहर है और कहाँ पर जानकारी मिली जो एक बच्चा नहर में डूब गया है? हमारे को पता चला कि वो एक लड़का नहर में डूब गया है। सूचना पाकर मौके पर आया हूँ, उसके परिजनों की तलाश की जाए, पता नहीं चल रहा भाई बच्चा किसका है, कौन है। ये काम करने वाले हैं, इन्होंने बताया कि भाई बच्चे नहा रहे थे, चार पांच बच्चे नहा रहे थे, उनमें से एक बच्चा डूब के आगे निकल के आगे चला गया। पुलिस से उन्होंने नहर काम करने वालों ने उसे रस्सी भी डाली, रस्सी में निकालने की कोशिश करी। उन नहर वालों का इसका कहना है कि जो काम कर रहे थे, सड़क बना रहे हैं, अगर मैं तड़ना नहीं आता, मैं रस्सी फेंकी थी, रस्सी उसने पकड़ी नहीं, वो देखते देखते ओझल हो गया, आँखों से आगे चला गया। एक उनके पिता पहुंचे हुए हैं, बता रहे हैं मेरा बच्चा है। अभी क्लियर नहीं हो पाया भाई इसका लड़का है किसी और का लड़का है, तफ्तीशदारी पता करे भाई बच्चा किसका था और कौन है। कोतकोर को भी बुलाया गया, कोतकोर को फोन किया हुआ है, वो आने लग रहे हैं। तो बाकी जो साथी थे नहा रहे साथ, वो चार पांच बच्चे बता रहे नहा रहे थे, जो वो भाग गए हैं ड्रग के मारे। उन्होंने ही बताया कि इनके घर जाकर जिनके पिता पहुंचे हुए हैं, नहीं इनका तो कोई और गया है, उसने बताया है उन्हीं में कोई और, अभी पता नहीं चला बच्चा किसका है किसका नहीं, को पूरी ठोस प्रमोशन नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 से 9 साल का आदित्य बताया जा रहा है, क्या वाकई वह आदित्य था, क्योंकि उनके पिता यहां पर पहुंचे हैं, रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अपील आप सभी लोगों से करता है कि आप इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें और अपने बच्चों को नहर किनारे बिल्कुल भी ना भेजें, नहर किनारे बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र के लड़के, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे, 4 से 5 बच्चे यहाँ पर नहाने आते हैं, जिसमें से एक बच्चा डूब जाता है। यहाँ कुछ लोग सड़क बना रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, उन्होंने रस्सी भी घेरी, लेकिन तब तक वह जो है आगे डूबता हुआ आगे बह निकला था, जिसके बाद जो है उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, हमें जानकारी दी, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और अब गोताखोर प्रगट सिंह को भी जो है मौके पर बुलाया गया है। कुछ ही देर में गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी जो है यहां पर मौके पर पहुंचने वाली है, लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा है। हालांकि आप देख सकते हैं नहर में पानी का बहाव पहले से कम जरूर है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए पानी जो है काफी ज्यादा देखा जा सकता है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो लोग हैं जिसने देखा है वो भी यहाँ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। जब आपने देखा था वो बहता हुआ आगे जा रहा था, डूबता हुआ जा रहा था? सर यहीं पे देखा था, अभी उसका थोड़ा सा हाथ हाथ दिख रहा था। उस टाइम ये जो काम करने वाले बंदे ने रस्सी डाल के एक बंदा गिर रखा था जी, कि इसको पकड़ा ले जाए, तो वो उनके पकड़े हाथ में नहीं आया बिल्कुल, वो नीचे ही चला गया था। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने हाथ ही दिखा था, फिर 112 को डायल कॉल किया और गोताखोर जो प्रगट सिंह है उनको जी कॉल कर दिया सारे साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि बच्चे के पिता यहां पर मौजूद है, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि शायद इन्हीं का वह बच्चा हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके साथ 3 से 4 और अन्य बच्चे थे जिन्होंने घर जाकर इनका बताया कि उनका बच्चा जो है डूब गया है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जो उनके पिता है वो हालांकि मौके पर पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा दुखी हैं, काफी ज्यादा आहत है, और बड़ा बच्चा बताया जा रहा है 3 से 4 बच्चे इनके हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 से 9 साल उम्र है आदित्य की, जो नहर में डूब जाता है। अब गोताखोर को बुलाया गया है ताकि गोताखोर मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चलाकर बच्चे के शव को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल।